प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ। इस वनवास काल में श्री राम ने कई ऋषि मुनियों से शिक्षा और विद्या ग्रहण की, तपस्या की और भारत के आदिवासी, वनवासी और तमाम तरह के भारतीय समाज को संगठित कर उन्हें धर्म के मार्ग पर चलाया। संपूर्ण भारत को उन्होंने एक ही विचारधारा के सूत्र में बांधा। लेकिन इस दौरान उनके साथ कुछ ऐसा भी घटा जिसने उनके जीवन को बदल कर रख दिया। रामायण में उल्लेखित और अनेक अनुसंधानकर्ताओं के अनुसार जब भगवान राम को वनवास हुआ तब उन्होंने अपनी यात्रा अयोध्या से प्रारंभ करते हुए रामेश्वरम और उसके बाद श्रीलंका में समाप्त की। इस दौरान उनके साथ जहां भी जो घटा उनमें से 200 से अधिक घटनास्थलों की पहचान की गई है। जाने माने इतिहासकार और पुरातत्व शास्त्री अनुसंधानकर्ता डॉक्टर राम अवतार ने श्री राम और सीता के जीवन की घटनाओं से जुड़े ऐसे 200 से भी अधिक स्थानों का पता लगाया है जहां आज भी तत्संबंधी स्मारक स्थल विद्यमान है। जहां श्री राम और सीता रुके या रहे थे वहां के स्मारकों, भित्ति चित्रों, गुफाओं आदि स्थानों के समय काल की जांच पड़ताल वैज्ञानिक तरीकों से की। जानते हैं कुछ प्रमुख स्थानों के बारे में। एक, केवट प्रसंग। राम को जब वनवास हुआ तो वाल्मीकि रामायण और शोधकर्ताओं के अनुसार वे सबसे पहले तमसा नदी पहुंचे जो अयोध्या से 20 किलोमीटर दूर है। इसके बाद उन्होंने गोमती नदी पार की और प्रयागराज इलाहाबाद से 20-22 किलोमीटर दूर वे श्रृंगारपुर पहुंचे जो निषादराज गुह का राज्य था। यहीं पर गंगा के तट पर उन्होंने केवट से गंगा पार करने को कहा था। सिंगर और इलाहाबाद से 22 मील लगभग 35.2 किलोमीटर उत्तर पश्चिम की ओर स्थित सिंगरौर नामक स्थान ही प्राचीन समय में श्रृंगारपुर नाम से परिज्ञात था। रामायण में इस नगर का उल्लेख आता है। यह नगर गंगा घाटी के तट पर स्थित था। महाभारत में इसे तीर्थस्थल कहा गया है। कुरई, इलाहाबाद जिले में ही कुरई नामक एक स्थान है जो सिंगरौर के निकट गंगा नदी के तट पर स्थित है। गंगा के उस पार सिंगरौर तो इस पार कुरई। सिंगरौर में गंगा पार करने के पश्चात श्री राम इसी स्थान पर उतरे थे। इस ग्राम में एक छोटा सा मंदिर है जो स्थानीय लोकश्रुति के अनुसार उसी स्थान पर है जहां गंगा को पार करने के पश्चात राम, लक्ष्मण और सीता जी ने कुछ देर विश्राम किया था। दो, चित्रकूट के घाट पर कुरई से आगे चलकर श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सहित प्रयाग पहुंचे थे। प्रयाग को वर्तमान में इलाहाबाद कहा जाता है। यहाँ गंगा जमुना का संगम स्थल है। हिंदुओं का ये सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है। प्रभु श्री राम ने संगम के समीप यमुना नदी को पार किया और फिर पहुंच गए चित्रकूट। यहाँ स्थित स्मारकों में शामिल है वाल्मीकि आश्रम, मांडव्य आश्रम, भरत कूप इत्यादि। चित्रकूट वह स्थान है जहाँ राम को मनाने के लिए भरत अपनी सेना के साथ पहुंचते हैं। तब जब दशरथ का देहांत हो जाता है, भरत यहां से राम की चरण पादुका ले जाकर उनकी चरण पादुका रखकर राज्य करते हैं। तीन, अत्रि ऋषि का आश्रम। चित्रकूट के पास ही सतना मध्य प्रदेश स्थित अत्रि ऋषि का आश्रम था। महर्षि अत्रि चित्रकूट के तपोवन में रहा करते थे। वहां श्री राम ने कुछ वक्त बिताया। अत्रि ऋषि ऋग्वेद के पंचम मंडल के दृष्टा है। अत्रि ऋषि की पत्नी का नाम है अनुसुईया जो दक्ष प्रजापति की 24 कन्याओं में से एक थी। अत्रि पत्नी अनुसुईया के तपोबल से ही भगीरथी गंगा की एक पवित्र धारा चित्रकूट में प्रविष्ट हुई और मंदाकिनी नाम से प्रसिद्ध हुई। ब्रह्मा, विष्णु व महेश ने अनुसुईया के सतीत्व की परीक्षा ली थी लेकिन तीनों को उन्होंने अपने तपोबल से बालक बना दिया था। तब तीनों देवियों की प्रार्थना के बाद ही तीनों देवता बाल रूप से मुक्त हो पाए थे। फिर तीनों देवताओं के वरदान से उन्हें एक पुत्र मिला जो थे महायोगी दत्तात्रेय। अत्रि ऋषि के दूसरे पुत्र का नाम था दुर्वासा। दुर्वासा ऋषि को कौन नहीं जानता। अत्रि के आश्रम के आसपास राक्षसों का समूह रहता था। अत्रि, उनके भक्तगण व माता अनुसुईया उन राक्षसों से भयभीत रहते थे। भगवान श्री राम ने उन राक्षसों का वध किया। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड में इसका वर्णन मिलता है। प्रातः काल जब राम आश्रम से विदा होने लगे तो अत्रि ऋषि उन्हें विदा करते हुए बोले, हे राघव, इन वनों में भयंकर राक्षस तथा सर्प निवास करते हैं जो मनुष्यों को नाना प्रकार के कष्ट देते हैं। इनके कारण अनेक तपस्वियों को असमय ही काल का ग्रास बनना पड़ा है। मैं चाहता हूँ तुम इनका विनाश करके तपस्वियों की रक्षा करो।
राम ने महर्षि की आज्ञा को शिरोधार्य कर उपद्रवी राक्षसों तथा मनुष्य का प्राणांत करने वाले भयानक सर्पों को नष्ट करने का वचन देखा सीता तथा लक्ष्मण के साथ आगे के लिए प्रस्थान किया। चित्रकूट की मंदाकिनी, गुप्त गोदावरी, छोटी पहाड़ियां, कंदराओं आदि से निकलकर भगवान राम पहुंच गए घने जंगलों में। 4. दंडकारण्य अत्रि ऋषि के आश्रम में कुछ दिन रुकने के बाद श्री राम ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के घने जंगलों को अपना आश्रय स्थल बनाया। ये जंगल क्षेत्र था दंडकारण्य। अत्रि आश्रम से दंडकारण्य आरंभ हो जाता है। छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों पर राम के नाना और कुछ पर बानासुर का राज्य था। यहाँ के नदियों, पहाड़ों, सरोवरों एवं गुफाओं में राम के रहने के सबूतों की भरमार है। यहीं पर राम ने अपना वनवास काटा था। यहाँ वे लगभग 10 वर्षों से भी अधिक समय तक रहे थे। अत्रि आश्रम से भगवान राम मध्य प्रदेश के सतना पहुंचे, जहाँ रामवन है। मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ क्षेत्रों में नर्मदा व महानदी नदियों के किनारे 10 वर्षों तक उन्होंने कई ऋषि आश्रमों का भ्रमण किया। दंडकारण्य क्षेत्र तथा सतना के आगे वे विराट सर्वभंग एवं सुतीक्ष्ण मुनि आश्रमों में गए। बाद में सतीक्ष्ण आश्रम वापस आए। पन्ना, रायपुर, बस्तर और जगदलपुर में कई स्मारक विद्यमान है। उदाहरणत मांडव्य आश्रम, श्रृंगी आश्रम, राम लक्ष्मण मंदिर आदि। राम वहां से आधुनिक जबलपुर, शहडोल, अमरकंटक गए होंगे। शहडोल से पूर्वोत्तर की ओर सरगुजा क्षेत्र है। यहां एक पर्वत का नाम रामगढ़ है। 30 फीट की ऊंचाई से एक झरना जिस कुंड में गिरता है उसे सीता कुंड कहा जाता है। यहां वशिष्ठ गुफा है। 2 गुफाओं के नाम लक्ष्मण बोंगरा और सीता बोंगरा है। शहडोल से दक्षिण पूर्व की ओर बिलासपुर के आसपास छत्तीसगढ़ है। वर्तमान में करीब 92,300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैले इस इलाके के पश्चिम में अबूझमाड़ पहाड़ियां तथा पूर्व में इसकी सीमा पर पूर्वी घाट शामिल है। दंडकारण्य में छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश राज्यों के हिस्से शामिल है। इसका विस्तार उत्तर से दक्षिण तक करीब 320 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम तक लगभग 480 किलोमीटर है। दंडक राक्षस के कारण इसका नाम दंडकारण्य पड़ा। यहाँ रामायण काल में रावण के सहयोगी बाणासुर का राज्य था। उसका इंद्रावती, महानदी और पूर्व समुद्र तट, गोइंदारी, गोदावरी तट तक तथा अलीपुर, पारंदुली, किरंदुली, राजमहेंद्री, कोयापुर, कोयानार, छिदक कोया तक राज्य था। वर्तमान बस्तर की बारासुर नामक समृद्ध नगर की नींव बाणासुर में डाली, जो इंद्रावती नदी के तट पर था। यहीं पर उसने ग्राम देवी कोयुतर माँ की बेटी माता माए खेर माए की स्थापना की। बाणासुर द्वारा स्थापित देवी दांत तना दंतेवाड़ी है। यह क्षेत्र आजकल दंतेवाड़ा के नाम से जाना जाता है। यहाँ वर्तमान में गोंड जाति निवास करती है तथा समूचा दंडकारण्य अब नक्सलवाद की चपेट में है। इसी दंडकारण्य का ही हिस्सा है आंध्र प्रदेश का एक शहर भद्राचलम। गोदावरी नदी के तट पर बसा ये शहर सीता रामचंद्र मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर भद्रगिरी पर्वत पर है। कहा जाता है कि श्री राम ने अपने वनवास के दौरान कुछ दिन इस भद्रगिरी पर्वत पर ही बिताए थे। स्थानीय मान्यता के मुताबिक दंडकारण्य के आकाश में ही रावण और जटायु का युद्ध हुआ था और जटायु के कुछ अंग दंडकारण्य में आ गिरे थे। ऐसा माना जाता है कि दुनिया भर में सिर्फ यहीं पर जटायु का एकमात्र मंदिर है। दंडकारण्य क्षेत्र की चर्चा पुराणों में विस्तार से मिलती है। इस क्षेत्र की उत्पत्ति कथा महर्षि अगस्त्य मुनि से जुड़ी हुई है। यहीं पर उनका महाराष्ट्र के नासिक के अलावा एक आश्रम था। डॉक्टर रमानाथ त्रिपाठी ने अपने बहुचर्चित उपन्यास रामगाथा में रामायण कालीन दंडकारण्य का विस्तृत उल्लेख किया है। 5. पंचवटी में राम, दंडकारण्य में मुनियों के आश्रमों में रहने के बाद श्री राम कई नदियों, तालाबों, पर्वतों और वनों को पार करने के पश्चात नासिक में अगस्त्य मुनि के आश्रम गए। मुनि का आश्रम नासिक के पंचवटी क्षेत्र में था। त्रेतायुग में लक्ष्मण व सीता सहित श्री राम जी ने वनवास का कुछ समय यहाँ बिताया। उस काल में पंचवटी जनस्थान या दंडक वन के अंतर्गत आता था। पंचवटी या नासिक से गोदावरी का उद्गम स्थान त्रयंबकेश्वर लगभग 20 मील लगभग 32 किलोमीटर दूर है। वर्तमान में पंचवटी भारत के महाराष्ट्र के नासिक में गोदावरी नदी के किनारे स्थित विख्यात धार्मिक तीर्थ स्थान है।
अगस्त्य मुनि ने श्रीराम को अग्निशाला में बनाए गए शस्त्र भेंट किए। नासिक में श्रीराम पंचवटी में रहे और गोदावरी के तट पर स्नान ध्यान किया। नासिक में गोदावरी के तट पर 5 वृक्षों का स्थान पंचवटी कहा जाता है। ये 5 वृक्ष थे पीपल, बरगद, आंवला, बेल तथा अशोक वट। यहीं पर सीता माता की गुफा के पास 5 प्राचीन वृक्ष हैं, जिन्हें पंचवट के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि इन वृक्षों को राम, सीमा और लक्ष्मण ने अपने हाथों से लगाया था। यहीं पर लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काटी थी। राम लक्ष्मण ने खर व दूषण के साथ युद्ध किया था। यहाँ पर मारीच वध स्थल का स्मारक भी अस्तित्व में है। नासिक क्षेत्र स्मारकों से भरा पड़ा है, जैसे कि सीता सरोवर, रामकुंड, त्र्यंबकेश्वर आदि। यहाँ श्री राम का बनाया हुआ एक मंदिर खंडहर रूप में विद्यमान है। मरीच का वध पंचवटी के निकट ही मृगव्याधेश्वर में हुआ था। गिद्धराज जटायु से श्री राम की मैत्री भी यहीं हुई थी। वाल्मीकि रामायण अरण्यकांड में पंचवटी का मनोहर वर्णन मिलता है। 6. सीताहरण का स्थान सर्वतीर्थ नासिक क्षेत्र में शूर्पणखा, मारीच और खर व दूषण के वध के बाद ही रावण ने सीता का हरण किया और जटायु का भी वध किया, जिसकी स्मृति नासिक से 56 किलोमीटर दूर ताकेट गांव में सर्वतीर्थ नामक स्थान पर आज भी संरक्षित है। जटायु की मृत्यु सर्वतीर्थ नाम के स्थान पर हुई, जो नासिक जिले के इगतपुरी तहसील के ताकेट गांव में मौजूद है। इस स्थान को सर्वतीर्थ इसलिए कहा गया क्योंकि यहीं पर मरणासन जटायु ने सीता माता के बारे में बताया। राम जी ने यहां जटायु का अंतिम संस्कार करके पिता और जटायु का श्राद्ध तर्पण किया था। इसी तीर्थ पर लक्ष्मण रेखा थी। पर्णशाला, पर्णशाला आंध्र प्रदेश में खम्मम जिले के भद्राचलम में स्थित है। रामालय से लगभग 1 घंटे की दूरी पर स्थित पर्णशाला को पंचशाला या पंचशाला भी कहते हैं। हिंदुओं के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से यह एक है। पर्णशाला गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। मान्यता है कि यही वह स्थान है जहां से सीता जी का हरण हुआ था। हालांकि कुछ मानते हैं कि इस स्थान पर रावण ने अपना विमान उतारा था। इस स्थल से ही रावण ने सीता को पुष्पक विमान में बिठाया था, यानी सीता जी ने धरती यहाँ छोड़ी थी। इसी से वास्तविक हरण का स्थल यह माना जाता है। यहाँ पर राम सीता का प्राचीन मंदिर है। 7. सीता की खोज सर्वतीर्थ जहाँ जटायु का वध हुआ था, वह स्थान सीता की खोज का प्रथम स्थान था। उसके बाद श्री राम लक्ष्मण तुंगभद्रा तथा कावेरी नदियों के क्षेत्र में पहुंच गए। तुंगभद्रा एवं कावेरी नदी क्षेत्रों के अनेक स्थलों पर वे सीता की खोज में गए। 8. शबरी का आश्रम तुंगभद्रा और कावेरी नदी को पार करते हुए राम और लक्ष्मण चले सीता की खोज में। जटायु और कबंध से मिलने के पश्चात वे ऋषिमुख पर्वत पहुंचे। रास्ते में वे पंपा नदी के पास शबरी आश्रम भी गए, जो आजकल केरल में स्थित है। शबरी जाति से भीलनी थी और उनका नाम था श्रमणा। पंपा नदी भारत के केरल राज्य की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। इसे पबा नाम से भी जाना जाता है। पंपा तुंगभद्रा नदी का पुराना नाम है। श्रावण कौर रजवाड़े की सबसे लंबी नदी है। इसी नदी के किनारे पर हम्पी बसा हुआ है। ये स्थान बेर के वृक्षों के लिए आज भी प्रसिद्ध है। पौराणिक ग्रंथ रामायण में भी हम्पी का उल्लेख वानर राज्य किष्किंधा की राजधानी के तौर पर किया गया है। केरल का प्रसिद्ध सबरीमलय मंदिर तीरथ इसी नदी के तट पर स्थित है। 9. हनुमान से भेंट मलय पर्वत और चंदन वनों को पार करते हुए वे ऋषिमुख पर्वत की ओर बढ़े। यहाँ उन्होंने हनुमान और सुग्रीव से भेंट की, सीता के आभूषणों को देखा और श्रीराम ने बाली का वध किया। ऋषिमुख पर्वत वाल्मीकि रामायण में वर्णित वानरों की राजधानी किष्किंधा के निकट स्थित था। इसी पर्वत पर श्रीराम की हनुमान से भेंट हुई थी। बाद में हनुमान ने राम और सुग्रीव की भेंट करवाई, जो एक अटूट मित्रता बन गई। जब महाबली बाली अपने भाई सुग्रीव को मारकर किष्किंधा से भागा तो वह ऋषिमुख पर्वत पर ही आकर छिपकर रहने लगा था। ऋषिमुख पर्वत तथा किष्किंधा नगर कर्नाटक के हम्पी जिला बेल्लारी में स्थित है। विरूपाक्ष मंदिर के पास से ऋषिमुख पर्वत तक के लिए मार्ग जाता है। यहाँ तुंगभद्रा नदी पंपा धनुष के आकार में बहती है। तुंगभद्रा नदी में पौराणिक चक्रतीर्थ माना गया है। पास ही पहाड़ी के नीचे श्रीराम मंदिर है। पास की पहाड़ी को मतंग पर्वत माना जाता है।
इसी पर्वत पर मतंग ऋषि का आश्रम था। 10. कोडिकरई हनुमान और सुग्रीव से मिलने के बाद श्री राम ने अपनी सेना का गठन किया और लंका की ओर चल पड़े। मलय पर्वत, चंदन वन, अनेक नदियों, झरनों तथा वन वाटिकाओं को पार करके राम और उनकी सेना ने समुद्र की ओर प्रस्थान किया। श्री राम ने पहले अपनी सेना को कोडिकरई में एकत्रित किया। तमिलनाडु की एक लंबी तटरेखा है जो लगभग 1000 किलोमीटर तक विस्तारित है। कोडिकरई समुद्र तट वेलानकनी के दक्षिण में स्थित है, जो पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में पाल्क स्ट्रेट से घिरा हुआ है। लेकिन राम की सेना ने उस स्थान के सर्वेक्षण के बाद जाना कि यहाँ से समुद्र को पार नहीं किया जा सकता और यह स्थान पुल बनाने के लिए उचित भी नहीं है। तब श्री राम की सेना ने रामेश्वरम की ओर कूच किया। 11. रामेश्वरम। रामेश्वरम समुद्र तट एक शांत समुद्र तट है और यहाँ का छिछला पानी तैरने और सनबेदी के लिए आदर्श है। रामेश्वरम प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ केंद्र है। महाकाव्य रामायण के अनुसार भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने के पहले यहाँ भगवान शिव की पूजा की थी। रामेश्वरम का शिवलिंग श्री राम द्वारा स्थापित शिवलिंग है। 12. धनुषकोडी। वाल्मीकि के अनुसार 3 दिन की खोजबीन के बाद श्री राम ने रामेश्वरम के आगे समुद्र में वह स्थान ढूंढ निकाला जहां से आसानी से श्रीलंका पहुंचा जा सकता हो। उन्होंने नल और नील की मदद से उक्त स्थान से लंका तक का पुनर्निर्माण करने का फैसला लिया। छेदुकराई तथा रामेश्वरम के इर्द गिर्द इस घटना से संबंधित अनेक स्मृति चिन्ह अभी भी मौजूद है। नाविक रामेश्वरम में धनुषकोडी नामक स्थान से यात्रियों को राम सेतु के अवशेषों को दिखाने ले जाते हैं। धनुषकोडी भारत के तमिलनाडु राज्य के पूर्वी तट पर रामेश्वरम द्वीप के दक्षिणी किनारे पर स्थित एक गांव है। धनुषकोडी पंबन के दक्षिण पूर्व में स्थित है। धनुषकोडी श्रीलंका में तलैमन्नार से करीब 18 मील पश्चिम में है। इसका नाम धनुषकोडी इसलिए है कि यहाँ से श्रीलंका तक वानर सेना के माध्यम से नल और नील ने जो पुल राम सेतु बनाया था उसका आकार मार्ग धनुष के समान ही है। इन पूरे इलाकों को मन्नार समुद्री क्षेत्र के अंतर्गत माना जाता है। धनुषकोडी ही भारत और श्रीलंका के बीच एकमात्र स्थलीय सीमा है जहाँ समुद्र नदी की गहराई जितना है, जिसमें कहीं कहीं भूमि नजर आती है। दरअसल यहाँ एक पुल डूबा पड़ा है। 1860 में इसकी स्पष्ट पहचान हुई और इसे हटाने के कई प्रयास किए गए। अंग्रेज इसे एडम ब्रिज कहने लगे तो स्थानीय लोगों में भी यह नाम प्रचलित हो गया। अंग्रेजों ने कभी इस पुल को क्षतिग्रस्त नहीं किया, लेकिन आजाद भारत में पहले रेल ट्रैक निर्माण के चक्कर में बाद में बंदरगाह बनाने के चलते इस पुल को क्षतिग्रस्त किया गया। 30 मील लंबा और 1.25 मील चौड़ा ये राम सेतु 5 से 30 फुट तक पानी में डूबा है। श्रीलंका सरकार इस डूबे हुए पुल पंबन से मन्नार के ऊपर भूमार्ग का निर्माण कराना चाहती है, जबकि भारत सरकार नौवहन हेतु उसे तोड़ना चाहती है। इस कार्य को भारत सरकार ने सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट का नाम दिया है। श्रीलंका के ऊर्जा मंत्री श्री जयसूर्या ने इस डूबे हुए राम सेतु पर भारत और श्रीलंका के बीच भूमार्ग का निर्माण कराने का प्रस्ताव रखा था। 13. नुवारा एलिया पर्वत श्रृंखला। वाल्मीकि रामायण अनुसार श्रीलंका के मध्य में रावण का महल था। नुवारा एलिया पहाड़ियों से लगभग 90 किलोमीटर दूर बांद्रवेला की तरफ मध्य लंका की ऊंची पहाड़ियों के बीचों बीच सुरंगों तथा गुफाओं के भंवर जल मिलते हैं। यहां ऐसे कई पुरातात्विक अवशेष मिलते हैं जिनकी कार्बन डेटिंग से इनका काल निकाला गया है। श्रीलंका में नुवारा एलिया पहाड़ियों के आसपास स्थित रावण फॉल, रावण गुफाएं, अशोक वाटिका, खंडहर हो चुके विभीषण के महल आदि की पुरातात्विक जांच से इनके रामायण काल के होने की पुष्टि होती है। आजकल भी इन स्थानों की भौगोलिक विशेषताएं, जीव, वनस्पति तथा स्मारक आदि बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कि रामायण में वर्णित किए गए हैं।